हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन में मैंने बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करोगे तो टर्शियरी बन जाएगा, याद है ना, बताया था ना आपको, समझा तो दिया था मैंने शायद। यस सर। इट अराइजेस से, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें फर्दर ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये आप टर्शियरी हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ना ऑफ प्रोटीन, गिव्स राइज टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप। एक का वही, एक का नाम फिगरस और टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात हो तो माइंड में रखो कि फिगरस और ग्लोबुलर की बात कर रहा, मालूम है ना। एक का फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, एक का स्फेरिकल शेप था। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर से बेसिकली दो मॉलिक्यूलर शेप मिलता है, एक फिगरस और एक ग्लोबुलर। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब नीचे कंक्लूजन लिखो। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर में क्या फोर्स का नाम क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाँ हाइड्रोजन। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वो कौन सा फोर्स है जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, तो नीचे लिखने The main force, ऐसे तो बता चुका हूँ लेकिन कंक्लूजन में लिखने से बन गए स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों। द मेन फोर्सेस व्हिच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ तो कौन कौन सा है, पहले एक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। दूसरा क्या पढ़ा था, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंक के तो भी दो। मिर्जा सोहैब बेग आए हैं क्या, वंडरवाल फोर्स। और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक आयंस भी तो है ना, आपको मालूम है ना कि अमीनो एसिड में चार्ज भी होता है, आयनिक। यस सर। हां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रहेगा। ये चार फोर्स का नाम याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि इलेक्ट्रिक ये ई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई कोई पूछेगा कैसे, इसलिए आपको अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन जब भी कोई पूछे, इलेक्ट्रिकल चार्ज अमीनो एसिड तो दो ही हो सकता है, बेसिक अमीनो एसिड एंड एसिडिक अमीनो एसिड। याद, हाँ यस वेरी गुड। एसिडिक जो है वो एनायनिक है और बेसिक जो है वो कैटायनिक है। क्या आपने लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अब आइए, आपको
तो मैंने कहा था टर्शियरी स्ट्रक्चर को फर्दर होल्ड कीजिएगा, तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनता है वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सब चीजें सबसे कॉम्प्लेक्स कौन होगा स्ट्रक्चर प्रोटीन का, बताओ फिर से। क्वार्टरनरी। वेरी गुड। चलिए इट अराइजेस व्हेन प्रोटीन हाइब्रिड, मैंने उस दिन बताया था व्हेन हैविंग टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, वो मिला दोगे आपके पास है एक पॉलीपेप्टाइड होगा। दूसरा पॉलीपेप्टाइड होगा आगे बढ़ें। यस सर। नो सर। एक मिनट। लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए अब आइए ये प्रोटीन के बाद, प्रोटीन में एक लास्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब आपको मालूम है कि हर प्रोटीन की अपनी अपनी एक नेटिव कन्फिगरेशन होती है, हर प्रोटीन की अपनी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। लिविंग सिस्टम। हाँ, तो हर प्रोटीन का एक डिफिनिट कन्फिगरेशन होता है, हर प्रोटीन का अपना एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, उसको चेंज कर देना, इसलिए नाम है डी। डी वर्ड जब भी ऑर्गेनिक में आता है तो उसका मतलब होता है रिमूव, जैसे आप पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन, डिहैलोजनेशन। तो वही है कि जो प्रोटीन के अंदर जिसकी जो भी कन्फिगरेशन है उसको चेंज कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर ये जैसे ये हेलिकल है, तो इसको हीट देकर या केमिकल चेंज करके आप इसको तोड़ दीजिए, अनफोल्ड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, मतलब अनफोल्ड कर दीजिए। अब ये क्वाइल फॉर्म अनक्वाइल फॉर्म में आ जाना, दिस इज कॉल्ड आपने इसके कन्फिगरेशन में चेंजिंग कर दिया, इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का बेस्ट एग्जांपल जो है, तो जैसे आप एक को बॉयल करके खाते हैं ना, अरे बोलिए, अरे बोले ना, और दूसरा कोई दूसरा और एग्जांपल, मिल्क से दही बनाना, अरे बोलो ना, ये भी तो है, कर्ड जो बनता है, ये भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब यही हुआ कि आप उसके कन्फिगरेशन में चेंजिंग ला रहे हैं, और कैसे ला रहे हैं, क्या क्या होता है इस सब में, वो सब मैं अभी सिखाऊंगा। तो मेरे साथ साथ लिखिए द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन फिजिकल as well as biological properties of the protein। अब इसका क्या मतलब है, इसको और हम छोटे फॉर्म में लिखाएंगे, आप properties of protein, it's called denaturation।
सर एक बार वो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर का स्लाइड दिखा दीजिए। पहले सारे लोग लिख लें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लिख लें कि द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। लिख लिया सारे लोग? जी सर। जिनको ये देखना है देखें जल्दी से फटाफट। सर हो गया, ये भी हो गया सबसे? जी सर। देखिए अब मैं आपको जो बता रहा हूं गौर से सुनेंगे कि ये रीजन फॉर डीनेचुरेशन कैसे करते हैं, क्या डीनेचुरेशन का रीजंस क्या है, तो दोनों है, फिजिकली भी करते हैं और केमिकली भी करते हैं। पहला फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से हम डीनेचुरेशन करते हैं, समझा कि नहीं? मतलब इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके हम प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर सकते हैं। दूसरा पीएच की एसिडिक बेसिक मीडियम में भी, तो केमिकल मेथड से भी हम डीनेचुरेशन करते हैं, वो है चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। मिल्क का पीएच अलग होता है, दही का अलग होता है, पीएच को चेंज करने से भी। भाई कोई पूछेगा डीनेचुरेशन का रीजन, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे आप, आगे बढ़े जल्दी बताइए। यस सर। हाँ भाई, कि मैंने आपको ये कहा कि हमेशा इस तरह टेबल के फॉर्म में याद रखिए कि डीनेचुरेशन और प्रोटीन से क्या फर्क पड़ा। तो दो फर्क मेनली पड़ता है, यहाँ देखें सारे लोग, कि मैंने आपको क्या कहा था कि टर्शरी स्ट्रक्चर से दो शेप आपको मिलता है, मॉलिकुलर शेप कौन कौन बोला, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, फाइब्रस। तो वही है कि जो भी ग्लोबुलर होता है ना वो अनफोल्ड हो जाता, अनफोल्ड का मतलब ये हुआ, गौर से सुने, कि फाइबर स्ट्रैंड जो होता है ना ग्लोबुलर हो जो होता है, एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगा स्फेरिकल से, अब फाइबर भी होता है आपको मालूम है, फाइबरस में फाइबर स्ट्रैंड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जो बीटा शीट स्ट्रक्चर सब जो भी है। इससे क्या होता है, ये दोनों जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा कि नहीं, बताओ बताओ सारे लोग बताओ। यस हाँ, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ, इसलिए आपसे पूछेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। और हमेशा याद रखना जब भी टर्शरी स्ट्रक्चर कभी भी प्रोटीन के बारे में बोले जाए तो माइंड में रखो ग्लोबुलर एंड फाइबर। तो देखो फाइबर स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, ग्लोबुलर जो मैंने अभी मिसाल दिया कि वो भी अनफोल्ड हो जाएगा क्वालिफॉर्म। अब आओ, तुमको मालूम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स जो होता है, हेलिक्स भी क्या हो जाएगा, अनक्वालिफॉर्म हो जाएगा। समझ बात आ रही है कि नहीं? शीट जो होता है बीटा शीट वो ओपन अप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इससे किसका डिस्ट्रक्शन हुआ, बुक डिस्ट्रक्शन ऑफ किसका हुआ, जल्दी बताओ, सेकेंडरी, सेकेंडरी। हाँ, इसलिए बुक लिखता है कि डीनेचुरेशन से सेकेंडरी टर्शियरी पर इफेक्ट पड़ता है। दोबारा समझा रहा हूँ मैथ वालों को कि ग्लोबुलर अनफोल्ड हो गया, फाइबर स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, एक बात दो बात। इससे क्या हुआ, टर्शियरी को कहेगा ना टर्शियरी स्ट्रक्चर क्यों पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको कहिए ग्लोबुलर अनफोल्ड हो जाएगा, जो स्फेरिकल शेप है वो अनफोल्ड हो जाएगा, फाइबर जो है स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टर्शियरी स्ट्रक्चर की चेंज हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर वही है। इसलिए मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया था कि बॉइलिंग ऑफ एग से एंट्रोपी बढ़ जाती है। यस सर, बढ़ती है।
हाँ वही है कि क्वाइल फॉर्म जो होता है वो अनक्वाइल फॉर्म हो जाता है। यहाँ देखिए अनफोल्ड हो गया, यहाँ फाइबर स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, जब सेपरेट हो गया तो रैंडमनेस बढ़ा, याद है ये लाइन? हेलो, अरे जी बोलिए सर, ना। जी सर, हाँ जी सर, सर याद है। हाँ चलिए तुम मत बोल। हाँ हाँ लिख लिया सारे लोग? नो सर, एक मिनट सर। डीनेचुरेशन प्रोटीन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर चेंज होता है कि टर्शरी की? दोनों। दोनों दोनों दोनों, वेरी गुड। निकल गया सारे लोग? यस सर, अब आइए पॉइंट वाइज लिखिए कि बट गौर से सुनिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ये बिहारी नहीं ब्रेक होता है, ये इंटैक्ट रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है ना रिमेन्स इंटैक्ट, नो चेंजिंग ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। यही पूछेगा ड्यूरिंग डीनेचुर, ये इसमें चेंजिंग होती ही नहीं है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सीक्वेंस है, पेप्टाइड लिंकेज है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग होती है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स में। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दें भाई। हेलो एवरीवन, कुछ तो बता दें। सर आ गया सर। चलिए अब आइए, ये पूरी कहानी हमने आपको जो अमीनो एसिड बायो मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट शुरू किया था वो आज खत्म हुआ। पहला पार्ट किसका था? कार्बो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पार्ट अमीनो। तो एसिड अमीनो है, हाँ अमीनो को एकदम प्लीज अच्छे से पढ़िए, टारगेट कीजिए 10 मिनट। आप अमीनो एसिड में देखो सारा थ्योरी है ना, बस अमीनो एसिड जो 20 है उसी पर टारगेट करना है। अरे बोलो ना, बाकी सब छोटा छोटा लाइन की थ्योरी सब है। अरे बोलिए, इस तरह पढ़ोगे तो आपको आसान होगा कि अमीनो यस में सर। एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है, सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहल कंटेनिंग, अमाइड कंटेनिंग, अमाइड कंटेनिंग, एरोमेटिक कंटेनिंग और एलिफैटिक कंटेनिंग, याद है ना? ये इस तरह पढ़िए। सर। चार्ज एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो ठीक, इस तरह पढ़े आप, समझ रहे ना आप? उसके बाद चार्ज और न्यूट्रल के बारे में है, तो चार्ज बस एसिडिक और बेसिक होता है, बाकी सब न्यूट्रल होता है। अरे बोलिए, आया समझ में? ए सॉरी, एसिडिक बेसिक के अलावा जितना है वो सब न्यूट्रल है, क्योंकि सब में NH2 CO के बराबर है। चार्ज में भी मैंने दो तरीका बताया था, पोलर में भी दो था, पोलर चार्ज, पोलर क्या था, न्यूट्रल। अनचार्ज, हाँ अनचार्ज, पोलर हाँ तो उसमें भी मैंने आपको सारा अनचार्ज, सारा टेल्स सिस्टर वाला सारा याद टेल करा, सर। हाँ वो बात बता दिया था। इस यस तरह सर। पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से आएगा। चलिए, खासकर स्ट्रक्चर पर हर दिन आप 10-10 मिनट, थोड़ा थोड़ा सा देखिए, बूंद बूंद से दरिया बनता है। आप 10 मिनट से पढ़ें घड़ी के टाइम से, सल्फर कंटेनिंग बस स्ट्रक्चर ही पर तो आपको PhD करना है। बस उसमें एक हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर थोड़ा केमिकल है, और एक आपके पास क्या था, ट्रिप्टोफैन जिसमें रिंग है, बाकी सब आसान है, बाकी आप उस सब आसान तरीके से समझाया गया। खैर चलिए, आप टॉपिक डालिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड तो नाम सुना ही होगा ना, बताइए ना भाई। हेलो एवरीवन। यस हाँ कहते हैं ना, छोटा जब कोई बेबी पैदा होता तो कहते हैं ना, इसकी नाक, इसकी आंखें अम्मी से मिलती हैं, कोई कहता अब्बा से मिलता है, कोई कहता नन्नू से मिलता है, दद्दू से मिलता है। अरे बोलिए, इसको कहते हैं ना हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज। बोलिए, आया समझ में? यस सर।
अरे मैथ वाले जल्दी बोले ना, कुछ तो बोले मैथ वाले। जी सर। हाँ तो आप पढ़ा है ना डीएनए आरएनए। अरे बोलिए, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले तो ये समझो कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। एक पॉलीमर है ये। क्या है ये? पॉलीमर। जिस तरह इसको ऐसे एक टेबल के सामने, जिस तरह आप पढ़ा है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है छोटा सा, पढ़े हो कि नहीं जल्दी बताओ। पढ़े सर। उसी तरह हमारे, देखो मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूँ तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, बायो वालों को तो आता ही है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं कि नहीं जल्दी बताओ। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सेल होते हैं, वेरी गुड। सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, होता है कि नहीं जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। यही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है भाई, हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज जो होती है ना क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम्स से में मिलकर बनता है कौन? न्यूक्लियस। यही सीक्वेंस याद रखोगे हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज के लिए तो यही काफी है ये सीक्वेंस। कोई डाउट जल्दी बोलो, हाँ या ना? नो सर। नो सर। हाँ तो वही है कि द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडेटरी, उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम ऑब्वियसली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलकर बनता है। तो कोई भी पूछे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सबसे पहली बात, इट इज लॉन्ग चेन पॉलीमर। ये पॉलीमर है, लॉन्ग चेन पॉलीमर विच इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन in the nuclei of cell. समझा कि नहीं? जल्दी बताइए। वही है कि करैक्टरिस्टिक जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वही इसीलिए यही इसी सब की वजह से होता है। उसको हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज वगैरह कहते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। अच्छा, इसका मतलब जब पॉलीमर है तो आपको मालूम होगा कि द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो होता है इज न्यूक्लियोटाइड। पढ़े हैं ना सब लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? पॉली, जैसे पढ़ते थे ना पॉलीमर में, पॉलीथीन, बहुत सारे एथीन से। तो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, जल्दी बताइए? आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ आगे बढ़ें। यस आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए, आपने पढ़ा होगा कि जो भी न्यूक्लियोटाइड होता है बेसिकली वो सब तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का नाम बताओ क्या क्या है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन फॉस्फेट ग्रुप। माशाल्लाह। एक है पेंटोज शुगर, पहली बार। अब पेंटोज शुगर में आपको दो आएगा, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। माशाल्लाह।
इतना जब जानते हो क्यों मुझसे पढ़ते हो यार? बायो वाले को तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैथ वालों को आना चाहिए। आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अरे ये देखो ना, मुझे पूछता है ये ना, खतरनाक है ये, ये वायरस है, बैक्टीरिया ये बिहारी। फॉस्फेट ग्रुप उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, इस पर आपको जीओसी की तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं बताऊंगा। ये असल हमें पढ़ने का यही है कि इसमें जीओसी के लिहाज से क्या क्वेश्चन आएगा। जैसे अमीनो एसिड्स में हमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर पूछ सकता है, तो बताइए। यस सर। अब आइए, जो मैं आपको मेन प्रैक्टिस जो कराऊंगा वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, खासकर मैथ वालों और बायो वालों के लिए भी। उसके बाद फिर हम डीएनए और आरएनए पर आएंगे। तो देखिए, आप सबको मालूम है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रो साइक्लिक बेस में हम दो पढ़ेंगे, एक होता है पुरीन बेस। पहले गौर से देखो कौन सा बेस, पुरीन, पुरीन, और एक है पाइरिमिडीन। ए भाई खुल जाना। अरे भाई हंगामा नहीं, पायरिमिडीन। नॉट आई मीन खूब बोल रहे हैं सर, मैं कहाँ चल रही हूँ सर। तमीम माइक बंद कर ले। अरे तमीम म्यूट करो। अरे तुम्हारा, अरे तुम्हारी शक्ल दिख रही है, अरे वीडियो ऑफ कर गुंडा कहीं का बिहारी। यस, पुरीन बेस और पायरिमिडीन बेस याद रखने का पहले देखो तरीका इसमें भी। और देखो इसको कैसे याद कर, पहले देखो पुरीन बेस का स्ट्रक्चर, इसमें वही लोकलाइज डीलोकलाइज नाइट्रोजन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखो पुरीन और पायरिमिडीन में किसका नाम ज्यादा बड़ा है, जल्दी बताओ। पायरिमिडीन का नाम सर, कहते हैं ना देहात में, छोटा नाम बड़ा काम कहते हैं ना। अरे जो बताओ ना, छोटा काम जी सर, बड़ा बड़ा नाम। हाँ, दैट द रीजन कि इसमें दो रिंग का कॉम्बिनेशन होगा। अभी लिखना नहीं है प्लीज, बड़ा नाम है और इसमें रिंग की साइज भी बड़ी है, छोटा नाम समझा, तो छोटा काम बड़ा नाम। अब देखो इधर, जहां पर नंबरिंग कैसे करना, मेरे लिहाज से करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जल्दी देखिए और से सुने, पुरीन बेस में सबसे पहली बात ये बाईसाइक्लिक है। बाईसाइक्लिक का मतलब दो रिंग का कॉम्बिनेशन है, इसमें चार नाइट्रोजन होगा। कितने नाइट्रोजन होंगे, चार, याद रखने का तरीका। और उसकी पोजीशन 1, 3, 7, 9, वन कहाँ से काउंट करना है वो सब बताएंगे। और बेसिकली ओवरऑल ये नाइन मेंबर्ड रिंग होगा, आप काउंट करेंगे तो नाइन मेंबर्ड है, दो कार्बन तो कॉमन है, नाइन मेंबर्ड। तो इसलिए मैंने पोजीशन आपको नाइट्रोजन, फाइव रिंग में दो नाइट्रोजन रखोगे, सिक्स रिंग में एक नाइट्रोजन रखोगे, अच्छा चार है ना, एक यहाँ पर आपको, तो दो तो बराबर हो गया आपका, चार चार का मतलब दो दो हो गया। दो रिंग, दो नाइट्रोजन किसमें रहेगा जल्दी बताओ, सिक्स मेंबर्ड में, और दो किसमें रहेगा, कार्बन। और वन यहाँ से शुरू करना, वन
एंटी क्लॉकवाइज चलना, दो तीन चार पांच छह, ये सिक्स की काउंटिंग इस तरह करोगे। ओके स्टूडेंट? यस सर। बोले और फिफ्थ मेंबर की काउंटिंग क्लॉकवाइज, सेवन एट नाइन। और तुमको मालूम है पाई बॉन्ड ऐसा दो कि मैक्सिमम रिंग बने, तो एक पाई बॉन्ड ऐसा दो जो दोनों में कॉमन हो, याद है ना जो आपको हमने पढ़ाया भी था नेप्थलीन एंथ्रासाइन। अब एक पाई बॉन्ड दे दिए तो अल्टरनेट दे दो, एक को छोड़कर दे दो, यहां दे दिए तो यहां दे दो, बस समझ में बात है। ये याद रखना कि हमें दोनों में कॉमन देना है। ऐसे इसमें पोजीशन तुम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा देना है जिसमें आपको दोनों रिंग में कॉमन हो। ये याद रहेगा आपको कि नहीं याद रहेगा? ये हुआ पोलीन का स्ट्रक्चर, छोटा नाम बड़ा काम। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा स्ट्रक्चर, याद रहेगा पुरीन का। अब देखो तुमसे मैं पूछूं, जल्दी जल्दी बताना। एक तो बाद में मैं बताऊंगा, आपसे पूछ देगा चार नाइट्रोजन में, कहेगा मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, और याद करो इसमें पूछेगा लोन पेयर, लोन पेयर। अब तुम लोग बताना, बताओ क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, जल्दी बताओ। लोकलाइज्ड। माशाल्लाह, ये बोलो लोकलाइज्ड। माशाल्लाह, ये बोलो localized. ये चार नाइट्रोजन में सबसे लीस्ट बेसिक नाइट्रोजन यही वाला है, ये नाइन नंबर वाला, बोलो हाँ या ना। लीस्ट बेसिक, यस सर। अल्लाह, जानते हो तो मोस्ट बेसिक कौन होगा? मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं बाद में बताता। अच्छा बताओ, ये छठे मेंबर इनको छोड़ दो, फिफ्थ मेंबर रिंग में ये भी एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक होगा तभी तो दो दो चार और दो छह, सिक्स इलेक्ट्रॉन, फोर एन प्लस टू पाई से हो गया कि नहीं? दो yes, चार yes. छह, बोलो हाँ या ना। तो जितना छह से रेजोनेंस होगा उतना निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर जाता, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा होने से इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन पूछ देगा इन पूरी सेवंथ मेंबर। लीस्ट बेसिक, जितना अच्छे से लो उतना अच्छे से नाइट्रोजन पर लोन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। जी सर। हाँ, तो ये अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। तो छोटा काम छोटा नाम, अच्छा उल्टा लिख दिया है क्या? अच्छा yes, उल्टा नाम, हाँ बड़ा काम, सॉरी हाँ बड़ा काम, ठीक है। पैराडीन में तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। कट, कट का मतलब फिफ्थ मेंबर रिंग को कट करो, कट। अब कट से ही तीनों पैरामिडीन आ जाएगा, साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। कट करना है, कट करना है, किसको कट करना है? फिफ्थ मेंबर रिंग को। अरे यार तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो यार, बोलो ना। यस सर। यस सर। फाइव मेंबर रिंग को तुम कट कर दो तो क्या बचेगा? सिक्स मेंबर रिंग। तो अब सिक्स मेंबर रिंग इस तरह लिखना है। हेलो एवरीवन, जल्दी बताओ। तो अब बता दो याद रखने का तरीका, जब ये तुम कट करोगे तो दो नाइट्रोजन भी कट हो गया। अरे जल्दी बताएं। तो बताओ सिक्स मेंबर में कितने नाइट्रोजन बचेंगे? दो, दो। या पोजीशन वही, या बॉटम और इधर, याद रहेगा? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। यस सर। तो ये आपका हो गया पैरामिडीन मोनोसाइक्लिक कट। क्या कर, याद याद करना है कि पुरीन को कट करना है। अरे जल्दी बताएं, मोनोसाइक्लिक। यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, एनर्जी कैसे मिलेगी? बोलो। हाँ बोलना। नाइट्रोजन अब वो 1-3 पोजीशन पर रहेगा, बस। क्यों 1-3 पर रहेगा? कट के तो 1-3 ना बचा। और कट मीन्स क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ। कट मीन्स साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। साइटोसिन यूरेसिल
यूरेसेल थाइमिन अच्छा थाइमिन और इसमें नंबरिंग थोड़ा उलट करना है वन इसको दो टू ये सब याद फोर्थ टॉप कर देगा वहां सिक्स टॉप पे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज करना चलो आगे बढ़े जल्दी बताओ सर पीछे पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए इतनी खराब आवाज थी बताइए Yes, sir, done, sir. एक मिनट सर डांस तो देखिए ये तो मैंने आपको पुरीन बेस और आपको ये मालूम है कि पुरीन में दो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है एक क्या होता है जल्दी बताओ एडेनिन एडेनिन गुआनिन एजी अब इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे एजी सुना सारे लोग एडेनिन में और गुआनिन में तो बात वही रहेगी कि आपको सिक्स मेंबर रिंग और फाइव मेंबर रिंग तो रहेगा ही वन थ्री सेवन नाइन पोजीशन पर रहेगा ही इन सब बेस में चाहे वो पुरीन हो या पैरामिडीन हो सबसे टॉप पोजीशन जो मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी वो होगी टॉप वाली पोजीशन क्लियर है कि नहीं तो जैसे मैंने आपको नंबरिंग कहा था इसमें कहां से था वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन डबल बॉन्ड की पोजीशन उसी तरह दे दो यहाँ और सिक्स पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दो डिड यू अंडरस्टैंड याद रहेगा सबको हाँ या ना जल्दी बता दो जी सर हाँ सिक्स पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा देना है एडेनिन में जल्दी बताओ सारे लोग NH2 तो ये भी लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है कि नहीं जल्दी बोलो हाँ या ना सर है यस सर इसलिए इसको कहते हैं सिक्स अमीनो पुरीन एडेनिन का दूसरा नाम सिक्स अमीनो पुरीन याद रहेगा सबको हाँ या ना जल्दी बताएं
यस याद हो गया। अब गोनिन में फिर से वही सिक्स मेंबर रिंग बनाओ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता नहीं है, लेकिन इसमें आपसे पूछ देगा हाउ मेनी लोन पेयर डिलोकलाइज, तो आपको रफ में स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए। फिर से बोलो इम्पोर्टेंट पोजीशन टॉप है, हाँ या ना जल्दी बताओ। तो आपको यहाँ पर तुम जब शायद बायो के स्टूडेंट हो, इसको इस तरह याद, ग्वानिन ग्वानिन को याद रखो ग्वानो, ग्वानो का मतलब ऑक्सीजन भी होगा। तो इसमें टॉप पोजीशन पर ओ डबल बॉन्ड ओ दे देना और सेकंड पोजीशन पर एन एस टू देना। याद रखने का तरीका ग्वानो, ग्वानिन से ग्वानो, ग्वानो का मतलब ऑक्सीजन। तो टॉप पोजीशन पर क्या दोगे, डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड मैथ वाले? अरे बोले यस सर। और NH2 टॉप पर ना देके किस पोजीशन पर दे दो, सेकंड पोजीशन पर। याद रहेगा सबको, हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, सिक्स पोजीशन, हाँ यस सर, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो वैलेंसी तो चढ़मरा जाएगी, तो डबल बॉन्ड, तो ये देखो ये तो डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा ही और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड मत देना क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार हो चुकी है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। सर देखो कितने लोन पेयर है यहीं पर पूछेगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। बताओ इसमें मोस्ट बेसिक अमीनो, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन होगा, जल्दी बता दो। अरे यार तुम बेसिक एटम कौन कौन है इसमें, जल्दी बताओ। बेसिक एटम कौन कौन पोजीशन पर है बताओ, सेवन एट नाइन बताओ कौन कौन है। सेवन है ना बेसिक एटम, जल्दी बताओ। अच्छा आप बताओ बेसिक एटम थर्ड भी है? जी सर। हाँ अब ये बताओ ये डीलोकलाइज्ड है, देख लो जो डीलोकलाइज्ड है वो बेसिक उतना नहीं है, सुना? अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो, गलत बात है। अच्छा तो सेवन थ्री हो गया, बाकी सब तो डीलोकलाइज है और एक ऑक्सीजन भी है छठी को, चूंकि ऑक्सीजन पर भी लोन पे डीलोकलाइज्ड है ना, तो सिक्स भी। नॉन बेसिक एटम पूछा जाए, नॉन बेसिक जब बोला जाए तो डिलोकलाइज समझो, टू वन, टू वन नाइन है ना। yes. सर टू क्यों आएगा एक बार बता दीजिए। क्या बोल रहा यार, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ टू क्यों आएगा सर, नॉन बेसिक में ही बता। अरे सर जाहिल इंसान, नॉन डीलोकलाइज्ड है, देख नहीं रहा डीलोकलाइज्ड है। सर लेकिन जो अमाइन ग्रुप है वो तो रिंग से बाहर है ना। कंपैरिजन में है रे, अमाइन रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर का मतलब डीलोकलाइज्ड। देखते तो इतना गाली देने का मन कर रहा है इस गधे को। ऑल आर बेसिक, कंपैरिजन में ये भी तो डीलोकलाइज्ड है, तो रिंग के अंदर रिंग है, बेसिकली रिंग ये बताया गया था रिंग के अंदर होना चाहिए। लिख लिया? Yes. तो ग्वानिन और एडेनिन का स्ट्रक्चर सबको याद हो गया कि नहीं, ये पहले बताओ, हाँ या ना? जी सर याद हो गया। एडेनिन में छठे पोजीशन पे आपको एन एस टू देना है, ग्वानिन में को याद रखने का तरीका ग्वानो, आपको ऑक्सीजन और एन एस टू। चलिए अब आइए
जो मैंने आपको सिखाया पैरामिडीन, तो पैरामिडीन बेस में जब वो खत्म करने की चीज होती तो मैं खत्म ही कर देता, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया हूं कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। यहां देखो अच्छे से, इसके बाद एक लास्ट क्लास अब होगी, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स खत्म। वो भी उसमें इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि चूंकि प्रीवियस ईयर में उसमें कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ देखिए पैरामिडीन में क्या क्या था, कट याद है ना सबको, समझ में आया? और इसी सीक्वेंस में याद रखिए साइटोसिन, बताओ यूरेसिल और थाइमिन। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को एक 10 सेकंड में तुम याद कर सकते हो। पहली बात करने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो मोनोसाइक्लिक रिंग है, इसलिए मैंने आपको याद कराया मोनोसाइक्लिक है। तो नाइट्रोजन देखो पहले अच्छे से, तो दो नाइट्रोजन तो होगा ही, सब में नाइट्रोजन है दो, पहली बात तो ये। और इसमें नंबरिंग मैंने कहा था आपको कहां से करना है, नीचे से, 1 2 3 4 5 6 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन टॉप। तुम सबसे पहले क्या करो इस तीनों के स्ट्रक्चर्स में कि आप हमेशा सेकंड पोजीशन पे सब में तुम डबल बॉन्ड ओ लगा दो, पहली बात तो ये। पहला बोलो सबको याद रहेगा, हाँ या ना जल्दी बताओ, सबके सेकंड पोजीशन पे क्या रहेगा, जल्दी बताओ सारे लोग, डबल बॉन्ड। तो ये हो गई। अब आओ मेन इंपॉर्टेंट आपके पास है, तो देखो इस पर टॉप पर NH2 लगाओ, इसके टॉप पे डबल बॉन्ड लगाओ, इसके भी टॉप पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, बस इसके ये कौन सा पोजीशन है, फिफ्थ एक्स्ट्रा मिथाइल, इसलिए कहते हैं थायमिन ज्यादा स्टेबल है। फिर से सुनो, सेकंड पोजीशन में सब पे डबल बॉन्ड ओ लगेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। यस सर। अब टॉप पोजीशन को देखो NH2 टॉप पे, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी टॉप पे, देखो इसलिए मैंने सीक्वेंस बनाया यूरेसिल थायमिन। तो आपको और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे आप लगा दीजिए। अब डबल बॉन्ड पोजीशन, अब आप आओ कि कैसे आप डबल बॉन्ड, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, एक को छोड़कर एक, जल्दी के चक्कर में मत यहाँ दे देना डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, आपके पास ऑक्सीजन है तो बस इसमें एक ही रहेगा, यहाँ पर दे नहीं सकते चूंकि ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दे नहीं सकते, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, यहाँ पर भी नहीं दे सकते, यहाँ पर भी नहीं दे सकते, बताओ। और नाइट्रोजन जब है तो इसमें मन की आंखों से एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही, यहाँ पर मन की आंखों में हाइड्रोजन रहेगा ही, यहाँ भी मन की आंखों से हाइड्रोजन रहेगा ही, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर लोन पेयर है तो आपको इतना तो बताने की जरूरत नहीं, लोन पेयर कौन डीलोकलाइज्ड होगा, कौन लोकलाइज्ड होगा, ये सबको मालूम है नॉलेज में, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह आपको ये सब जीओसी में भी पूछ सकता है कि बताओ यूरेसिल में कितने लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इस तरह के क्वेश्चन जी मेंस पूछता ही पूछता है। कोई डाउट इसमें जल्दी बताइए। चलिए लिखिए फटाफट, अब आइए कोई दिक्कत इसमें जल्दी बताइए। नो सर। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। ओके बाय बाय। इस स्ट्रक्चर पर पीएस। सलाम अलैकुम।